CAA का कानून पार्लियामेंट में आता है, पूछो समाजवादी पार्टी से, पूछो BSP के नेताओं से, पूछो कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से, पार्लियामेंट का रिकॉर्ड उठाकर देखो कि उस कानून के खिलाफ अगर किसी ने मुदल्लल तरीके से संविधान को सामने रखकर, गांधी के पैगाम को सामने रखकर, अगर किसी ने मोदी के 300 एमपीओ के सामने CAA का कानून, मुसलमानों को स्टेटलेस बनाने का कानून बनाया जा रहा था, किसने BJP के 300 एमपीओ के सामने कहा कि जिस तरह गांधी ने उस वक्त के सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ा था, आज असदुद्दीन ओवैसी भारत के उन तमाम लोगों की तरफ से जो अंबेडकर के संविधान को अपने दिल से लगाते हैं, मैं इस कानून को फाड़ता हूं। BJP के 300 MP खड़े हो गए और कहा कि तुम कैसे फाड़ सकते हो, तो मैंने कहा यह कागज का टुकड़ा है, यह कानून नहीं है, ऐसे कोई कानून को हम नहीं मानते जो भारत के संविधान के खिलाफ जाता है। मजहब की बुनियाद पर तुम मुसलमानों को भारत की शरीयत से महरूम करना चाहते हो, तो हमने कानून को फाड़ा, एहतजाज किया। क्या किया समाजवादी पार्टी ने, क्या किया BSP ने, क्या किया कांग्रेस ने? कानून मुझे हमारे मुल्क से बेदखल करने के लिए बनाया जा रहा था।